गांव डांग मशीनों की बारिश। उठ बांध कमर क्यों डरता है, अब देख मौला क्या करता है। जबकि बंदा कोशिश करता है, सोनारा बिगड़े काम सवरता है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसी काउ डंग मशीन के बारे में जो आपने मार्केट में काफी काउ डंग मशीनें तो देखी होंगी, लेकिन ऐसी काउ डंग मशीन शायद ही आपको कहीं को देखने को मिले। थोड़ा सा क्लोजर देके बताते हैं और सबसे पहले आपको ले चलते हैं इसकी वर्किंग वीडियो की जानिब, ताकि आप देख सकें ये मशीन किस तरीके से काम करती है। इसकी वर्किंग वीडियो तो देख ली, यकीनन इसकी वर्किंग वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वर्किंग वीडियो देखने के बाद इसके मॉडल की बात करते हैं। मॉडल इसके अंदर दो हैं और उनसे पूछते हैं जिनकी निगरानी में ये मशीनें बनती हैं, मलिक एहसन साहब से। जी एहसन भाई, आप ये बताएं कि ये मशीन आपने कैसे बनाई, किस क्वालिटी की बनाई, थोड़ा सा आप ये बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं डबल बेल्ट पुली वाले की, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे, इसके अंदर आपने क्या क्या लगाया। सबसे पहले आपको बताते हैं जो डबल बेल्ट और डबल पुली, जो सिंगल बेल्ट वाली मशीन है उसमें एक बेल्ट और एक पुली लगाई गई है, इस मशीन में डबल बेल्ट और डबल पुली लगाई गई है। यानी अच्छा, मुझे ये बताएं कि मार्केट में और भी काफी मशीनें हैं जो लोग बेच रहे हैं, बना बना के सस्ती मशीनें बेचते हैं, वो काम ही सही नहीं करती, कंप्लेंट ज्यादा होती है। आप इस मशीन के बारे में बताएं, थोड़ा सा इसका माउथ कैसे बनाया है आपने, आगे ज्वाइंट कैसे लगाया है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। जी बिल्कुल शान भाई, मैं आपको बताता हूँ। इसका जो माउथ है ये पाइप वगैरह का नहीं बना हुआ, ये ढलाई किया हुआ माउथ है, जो 64 शेड्यूल कहते हैं इसे, ठीक है, उसमें इसको बनाया गया है। और इसके साथ जो फ्लांच वगैरह लगाए गए हैं तो वो भी भारी गेज में लगाए गए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये हैवी ड्यूटी लगाए गए हैं। और इसके साथ जो सबसे मेन चीज, ये हमने इस पे जो फ्रंट पे लगाया है रेड्यूसर, ये एक गोल है और एक ही इसके साथ चौरस होता है, यानी कि आप अगर इसके साथ गोल राड या चौरस राड बनाना चाहें तो आप आसानी इसके साथ बना सकते हैं। अच्छा, ये जो ज्वाइंडर हैं पड़े गोल और चौरस, ये दोनों मशीन के साथ मिलेंगे या कस्टमर को अलग से परचेज करने पड़ेंगे? जी बिल्कुल, जो डबल बेल्ट वाली मशीन है ये इसके साथ ही है, दोनों चौरस भी साथ है और गोल वाला भी साथ है इसी। अच्छा, थोड़ा सा फ्रेम के बारे में मुझे बताएंगे, फ्रेम कितना मोटा बनाया हुआ है और इसकी एंगल कितनी चौड़ी है, कितने सूत्र की है, और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जोड़ भी नजर नहीं आ रहा, थोड़ा इसके बारे में आप बताएंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है, हमने इस पे क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, हमने क्वालिटी इसकी 100% बेहतर से बेहतर की है। तो आप ये जोड़ देख रहे हैं आपके सामने है, तो हमने इसको बड़ा लास्ट में फर्निश पे भी खुसूसन काफी काम किया है इस पे, और जो इस पे एंगल लगाई गई है वो 2 इंच की एंगल है, यानी कि अगर आप कहें 50 mm इसकी विड्थ है और इसकी थिकनेस कहें तो 4.5 mm एंगल की। चले ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक फ्रेम देख रहा हूँ, ये अलहदा से पड़ा हुआ है, ये कहाँ पे लगता है ये फ्रेम? जी बिल्कुल, ये फ्रेम बड़े स्पेशल पर्पज के लिए बनाया गया है। ये आप देखते हैं कि लोगों ने आगे ईंटों की वो ढेरियां लगाई होती हैं या
और सिस्टम कार के आगे मैनेज किया जाता है। इसको आप ऐसे यहाँ से खुल जाते हैं दो बोल्ट, ये इसके यहाँ सुराख हैं, ठीक है, दो बोल्टों को यहाँ अटैच कर देंगे इसके आगे, और जो राड इधर से निकलेगा आपने जस्ट इसके ऊपर पाइप रखना है, ठीक है, और आराम से आपको हवा में उठा के राड खड़ा नहीं होना पड़ेगा। यानी कि ये जो चादर है पड़ी, ये दो बोल्टों के साथ टाइट हो जाती है। जो डबल पुली लगाई है आपने, दोनों तरफ से लगाई है, डबल बेल्ट लगाए हैं, और पीछे जो प्लेट लगाई है ये भी काफी मोटी नजर आ रही है। अच्छा मुझे ये बताएं, जो आम मार्केट में लोकल मशीनें तैयार होती हैं, वो बीच में पैप लगाते हैं, उसके ऊपर वर्म लगाते हैं, आपने भी ऐसे लगाया है, पीछे पैप लगाया है, क्या लगाया है आपने? बिल्कुल आपकी बात सही है, अल्हम्दुलिल्लाह हम मार्केट की तरह काम नहीं कर रहे हैं। हमारा जो आप देख सकते हैं जो वर्म बना हुआ है, ये भी हैवी गेज का बनाया गया है, और इसके अंदर ये कोई पाइप नहीं है, ये शाफ्ट है, यानी एंड टू एंड ऑन टू एंड आप देखें इधर से पुली से लेके फ्रंट तक इसमें जो सरिया लगा हुआ है, उसी को टूल लगा के आगे जो साइज है वो उसी को टूल लगा के बनाया गया है। ये कोई और इसमें कोई जोड़ नहीं है, ये एक ही पीस है, वन पीस है। जहाँ से गोबर को डाला जा रहा है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है, यहाँ पे बैंड दिया गया है, बैंड की वजह से काफी मजबूत होता है। इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, ये चादर कितनी मोटी गेज की लगाई है आपने यहाँ पे? जी बिल्कुल, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे अपने बने हुए डिज़ाइन है, जैसे कि शान भाई आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काफ़ी डिज़ाइन है, ये ज़्यादा चलने वाला डिज़ाइन है, और हमारी जो आम मशीन है उस पर भी हम बैंडिंग और कॉलर देते हैं। और रहा सवाल इसकी गेज का, जो हमने इसमें गेज इस्तेमाल किया है वो है 16 गेज। 16 गेज का लगाया, चल 16 गेज तो काफ़ी भारी होती है अल्हम्दुलिल्लाह, वो लाइफ टाइम है इंशाल्लाह ताला, वो गोबर का काम करते हैं तो इंशाल्लाह ताला वो लाइफ टाइम कहीं नहीं जाती। ये तो 16 गेज की ये माउथ की चादर हो गई, अब पैप के बारे में बताएं, पैप कितनी गेज का लगाया है? ये चादर को मोड़ के गोल किया है या आपने ओरिजिनल 6 ये पैप लगाया है ये आपने यहाँ पे? ये ओरिजिनल पाइप है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाइप इस चादर की गेज से भी भारी है। इसकी जो थिकनेस है वो है 11 गेज की, जो पाइप की थिकनेस है। माशाल्लाह एहसन भाई, आपने मशीन तो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार की है, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी, मैं भी देख रहा हूँ और YouTube पे देखने वाले मेरे साथीन भी देख रहे हैं, इसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। इसके थोड़े से वेट के बारे में बताएं, इसका वेट कितना है पड़ा? जी बिल्कुल शान भाई, आप जानते हैं कि जैसे देखने में मशीन ज़बरदस्त हैवी लग रही है, ऐसे हैवी है, इसका जो वेट है तकरीबन 100 kg है। ये मोटर के साथ है, ये मोटर के अलावा है पड़ा? ये तकरीबन मोटर के अलावा 100 kg है। मोटर के अलावा 100 kg है, तो इसको उठाने में तो मसला होगा ना? तो जी, मैं नहीं, वो मसला भी हमने दूर कर दिया है, आप देख रहे हैं इसके नीचे हमने व्हील लगाए हुए हैं, तो इसको कस्टमर आराम से एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ नीचे व्हील लगे हुए हैं, जब ये मशीन चलती है वाइब्रेट करने की वजह से ये आगे पीछे तो नहीं होती, हिलती तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हिलती, अगर आप इसे मोटर पे चलाते हैं तो कहीं भी नहीं जाती ये, ठीक है। ये अच्छा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये मोटर के अलावा इंजन पे भी चल सकती है? जी बिल्कुल इंजन पे चल सकती है, लेकिन इंजन पे चलाने के लिए फिर इसकी थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ती है। चलें जी माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे एक रॉड मुझे नजर आ रहा है, तो ये रॉड किस लिए है? ये रॉड जो कर्व डंग का रॉड निकलता है अंदर से, तो उसके सेंटर में होल आ जाता है, जिसकी वजह से हवा ऑक्सीजन क्रॉस होता है और उसका फ्लेम बढ़ जाता है, और उसको सूखने में भी आसानी होती है, इसका पर्पस ये है। अच्छा नाज़रीन, हम आपको अपनी फैक्ट्री भी दिखाते हैं जहाँ पे ये मशीनें तैयार होती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह एहसन भाई ने यहाँ पे काफ़ी सारी मशीनें तैयार करके भी रखी हुई हैं, ये बड़े जो डीलर हैं हमारे उनको भी देते हैं। ये 3 मॉडल जो आप देख रहे हैं, ये डबल बेल्ट पुली मॉडल हैं पड़े, एक ही जैसे हैं, इनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। एक मॉडल पड़ा है जो सिंगल बेल्ट के अंदर है, इसकी वीडियो हम अलहदा बनाते हैं, वो आपको दिखाएंगे इस वीडियो के बाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये सिंगल पुली वाला मॉडल आप तक पहुँच सके।